नगर सिटी के खचकला थाना क्षेत्र के लोधी कटरा में स्वर्ण दुकानदार से आपसी विवाद हुआ और इस दौरान दोनों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान बताया जाता है कि दुकानदार के द्वारा लोगों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, जहां जिससे अमन कुमार नामक किशोर घायल हो गया। आपको बता दें, वही जबकि रास्ते से गुजर रही दो महिलाओं को भी ज्वलनशील पदार्थ का छींटा पड़ा है। इससे गुस्साए लोगों ने दुकानदार स्वर्ण कार की लगाकर स्कूटी में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम स्वर्ण कार को पुलिस ने भीड़ से बचाकर फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और वहीं दुकान के बाहर चबूतरा पर से थानाध्यक्ष ने नमूना भी उठाया और पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। निधि सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। लोधी कटरा चौकी के पास देवी जी बैठे हुए, सब लोग वहाँ पर भीड़ भड़का है, देवी जी है तो खड़ा था सब, दो लेडीज भी थी और सोनार का दुकान था और वो अंदर से तेजाब का बोतल फेंक के मारा कि 5 आदमी घायल हो गया, 2 लेडीज और 3 जेंट्स। आपका परिजन भी घायल हुआ? मेरा दोनों बेटा है, एगो क्या नाम है, दोनों बहन बेटा है, बहन का लड़का। क्या नाम है? एक अमन कुमार है, एक साहिल कुमार है। आज दोपहर 2 के करीब मैं सूचना मिली कि लोधी कटरा में आपसी विवाद हुई है। आपस में विवाद के कारण एक व्यक्ति द्वारा कुछ ज्वलनशील पदार्थ तेजाब जैसा फेंक दिया गया, जिसमें कुछ व्यक्ति जख्मी हो गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वहां पर पहुंचकर जो जख्मी व्यक्ति हैं, जख्मी व्यक्ति को उचित इलाज के लिए तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया है। साथ ही इस मामले जो आरोपी व्यक्ति हैं, आरोपी व्यक्ति को भी हम लोग विधिवत हिरासत में लेते हुए उनसे हर बिंदु पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ये वहाँ के जो मोहल्ले वाले वो लोग कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि चंदा को लेकर, ये सारे बिंदुओं पर हम लोग अभी ये कर रहे हैं। अभी चूँकि जख्मी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो कि अभी इलाजरत है। अब इलाज उपरांत जो उनके द्वारा बताया जाएगा उसके बाद फिर पूरा स्पष्ट करेंगे। सर, अभी जैसा कि हमको 2 व्यक्ति मिले हैं, कमन कुमार एक साहिल कुमार हैं, और दोनों को हम लोग इलाज के लिए अभी अस्पताल में लेकर भेजें। अब चूँकि देखिए, जो अभी जख्मी व्यक्ति हैं अभी उनको इलाज करा रहे हैं, इलाज उपरांत उनके द्वारा जो रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाएगा फिर उसके आधार पर फिर अगर ये किया जाएगा।